हेलो एवरीवन, मैं प्राची पुरी रेसिपी एंड टिप्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आज हम बनाते हैं काजू कतली, और काजू कतली बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजीली घर पर बन जाती है ये। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी काजू कतली बनकर तैयार हुई है। मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है, खाने में भी बहुत अच्छी है ये, और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाते हैं ये। काजू कतली बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 300 ग्राम काजू, ये पूरी एक कटोरी है। और आप यहाँ इसकी जगह टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने पाउडर ही बनाना है, तो आप ये भी ले सकते हैं और टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं। टुकड़ा काजू थोड़े से ठीक रेट में मिल जाते हैं, और ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं एज यू विश। और अब मैं इसको जार में डाल देती हूँ। इन काजू को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है, और अब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मिक्सी को लगातार नहीं चलाना, ब्रेक में चलाना है। जैसे ऑन ऑफ करके आप 1-2 सेकंड के लिए चलाएं, फिर बंद कर दें, फिर चलाएं, फिर बंद कर दें। अगर आप लगातार चलाएंगे तो ये काजू का जो ऑयल है वो निकल जाएगा, और आप इससे आपकी काजू कतली ठीक नहीं बनेगी। इसे मैंने फिर 2 सेकंड के लिए रोक दिया है, और फिर इसे चम्मच की हेल्प से मैं इसे हिला लूँगी, और फिर से 1-2 सेकंड के लिए फिर से चलाऊँगी। इसी तरह आपको पाउडर बनाना है, लगातार आपको मिक्सी को नहीं चलाना। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पाउडर बनाया है। अब मैं इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेती हूँ। ये काजू का पाउडर मैंने छान लिया है, और ये जो बचा है इसको मैं फिर से मिक्सी में पीस लूंगी, और इसका भी पाउडर बना लूंगी इसी तरह से। काजू का हमने फाइन पाउडर बना लिया है, और ये थोड़ा सा हमारा इस तरह से बच गया है। तो ये आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। अगर आप पनीर बना रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही अच्छी बनती है ये पनीर की ग्रेवी, तो उसमें डाल दीजिए। और अब मैं यहाँ एक पैन ले रही हूँ, गैस मैंने ऑन कर ली है, और इसमें 1/2 कप मैं चीनी डाल रही हूँ, और 1/3 कप इसमें पानी ऐड करूँगी। इसको हिला लेंगे। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है, और इसे मैं लगातार चलाऊंगी इस तरह से। और हमने इसकी बिल्कुल चाशनी, चाशनी नहीं बनानी, बस हमारी चीनी मेल्ट हो जाए, और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक हमें इसे पकाना है। जैसे थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है तो फिर हम इसमें पाउडर डाल देंगे काजू का। ये चेक कर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी हाथ पे लगा के इस तरह से हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए आपकी, बस अब हमारी हल्की सी चिपचिपी हो रही है, तो अब हम इसमें ये पाउडर डाल देते हैं। ध्यान रहे आपको ज़्यादा नहीं पकाना इसको, और इसमें डालने के बाद आप फटाफट से इसको चलाएं। लगातार आप इसे चलाते रहें, और जब ये थोड़ा सा पैन छोड़ने लगे तब इसमें आधी चम्मच डालेंगे हम। ये देखिए, थोड़ा सा ये अपने आप पैन छोड़ रहा है। इस कंसिस्टेंसी पे हम घी डालेंगे आधी चम्मच, और घी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये मैं आधी छोटी चम्मच घी डाल रही हूँ, और अब इसे लगातार चलाएंगे, और जब ये बिल्कुल पैन छोड़ जाए तो फिर आपको इसे बंद करना है। और काजू को आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो आपकी काजू कतली फिर अच्छी नहीं बनेगी, तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, थोड़ा सा ये पैन छोड़ने लगा है। इस कंसिस्टेंसी पे आने के बाद आपको इसे 1 से 2 मिनट और चलाना है, और फिर आपको गैस बंद कर देनी है। अभी मैं इसे 1 से 2 मिनट और चलाऊंगी। ये देखिए, अब ये पैन को छोड़ चुका है पूरा। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, और इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है, तो अब मैं इसके ऊपर ये मिक्सचर डाल दूंगी।
ये से अब हमने प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ठंडा कर लेते हैं हम। तो यहाँ हमने बटर पेपर ले लिया और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ग्रीस कर लिया है और इस मिक्सचर को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तो इस बेलन को हमने ग्रीस कर लिया है, अब मैं इसको अच्छे से बेल लूंगी। आपको इक्वल साइज में ही बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, इससे आपकी काजू कतली अच्छी बनेगी। और सॉफ्ट हैंड से ही आपको इसे बेलना है। काजू कतली को अच्छे से हमने बेल लिया है, अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर 1 से 1.5 घंटा के लिए रख देंगे और इसके ऊपर फिर चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर आपको लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना तो ऑप्शनल है। और फिर बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे और इसे इसी पेपर से ही मैं ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी। 1 से 1.5 घंटा हो गया है, ये थोड़ी हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं इस पे ये वर्क लगा दूंगी, चांदी वाला सिल्वर वर्क। अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले आपको सीधी लाइंस बना लेनी है इसकी, स्ट्रेट इक्वल। स्ट्रेट लाइन हमने कट कर ली है तो अब हमने इसके डायमंड शेप देनी है। तो इस तरह से अब हम ऐसे काट देंगे साइड से, तो इसको भी इस तरह से दे देंगे शेप। काजू कतली के पीसेस हमने कट कर लिए हैं और इस तरह से सर्व कर लिया है। आप पीसेस छोटे या बड़े किसी तरह से भी कट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी काजू कतली बनी है। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा टेक्सचर बना है इसका, जैसे हम मार्केट में से लाते हैं उसी तरह से ही बनी है और खाने में भी बहुत अच्छी बनी है। तो बिल्कुल ईजी होती है ये काजू कतली घर पर बनानी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलती है अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।